हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। जड़ और जीव का भेद ये संकट की शुरुआत नयसार के भाव में देह को संकल्प किया था एक कि मैं कुछ भी हूंगा तो देह करके आहार करूंगा। तो कहां से कहां बीज नयसार के भाव में भगवान महावीर 27वें भाव में महावीर बने। तो कैसे कैसे बीज फलित होता है आज बहुत बड़ी बात है। साधना के बारे में कहा जाता है सेवा करना, तो सेवा के बहुत से तरीके हैं। कोई गरीब है उसको पढ़ाई की जरूरत है, उसके माता पिता के पास धन नहीं है, किसी प्रकार की आप सेवा कर सकते हो। स्वाध्याय, स्वाध्याय के पांच अंग हैं, वाचना पूछना प्रयत्ना अनुप्रेक्षा, धर्म कथा के पांच अंग हैं, और ध्यान, ध्यान है जो आप कर ही रहे हैं, ध्यान शुक्ल ध्यान पंचम काल में। आठ चार प्रकार का ध्यान है भगवान का, वो भी ध्यान है। आठ रुद्र तो आप करते ही रहते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा पहले ही रोता है, आठ रुद्र तो जन्म लेते ही उसको आ जाता है। और धर्म ध्यान स्वाध्याय के द्वारा जैसे प्रवचन सुनते हो, ये धर्म ध्यान है। ध्यान और कौशल भी उत्सक है, ममता का त्याग कर देना और काया का अवसर कर देना, ये ध्यान और कौशल ये बहुत बड़ा तप है। तो उपवास से पहले तीन बातें मत करो कहा गया है। आपने उपवास किया तो कई लोग है ना, कल को उपवास करना है समस्त्री किरण, पहले चूरी मसाला खूब अच्छी तरह खा लेते हैं, भूख ना लगे कहीं, ऐसा नहीं करना। उपवास के दिन गृष्ट भोजन नहीं करना, अधिक भोजन भी नहीं करना। जो उपवास करने वाले को तीन बातें सुन लेना, अभी महापर्व परीक्षण आएंगे। उपवास गृष्ट भोजन नहीं करना, अधिक भोजन नहीं करना और चटपटा स्वादु भोजन भी नहीं करना। उपवास से तीन बातें मत करो, क्रोध नहीं करना, अहंकार नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना। उपवास करके क्रोध कर लिया, गुस्सा ही करते रहे, निंदा ही करते रहे तो उपवास निष्फल हो जाता है। उपवास में तीन बातें अवश्य करो, शील का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन करो, शास्त्र का पालन करो और आत्म स्वरूप का चिंतन करो उपवास के समय। उपवास को तीन बातें नहीं करनी चाहिए, गर्भवती स्त्री को उपवास नहीं करना चाहिए और दूध पीते बच्चे की माता को उपवास नहीं करना चाहिए, और जो कोई दुर्बल है अजीर्ण है भगवान ने उनको आज्ञा नहीं दी। गर्भवती माँ यदि वो उपवास करेगी तो बच्चे को भोजन कैसे मिलेगा, क्योंकि जो माँ खाती है बच्चा वही लेता है, जो माँ पीती है बच्चा वही लेते हैं। तो गर्भवती स्त्री को उपवास के लिए मना किया गया है, और जब बच्चा दूध पीता है माँ का वो भी उपवास कर लेती है तो भगवान ने कहा उपको भी उपवास नहीं करना चाहिए, दुर्बल अजीर्ण को भी उपवास नहीं करना चाहिए। तब वो जोई जीव उठानम, तब एक ज्योति है, एक ज्वाला है जो आपके भीतर अनंत अनंत जन्मों के कर्मों को क्षय कर देती है। इच्छा निरोधो तपा, इच्छा का निरोध कर देना ये सबसे बड़ा। अब अंतर इच्छा और आवश्यकता, एक इच्छा भगवान ने कहा इच्छा हुआ आकाश समान अनंत, इच्छा आकाश के समान अनंत है। आपको 1 लाख चाहिए, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 1 बंगला, 2 बंगले, 10 बंगले, कितने आज कोई इच्छा परिमाण खत्म हो गया। पहले श्रावक लोग भगवान महावीर के 10 श्रावक थे, उन्होंने भगवान से 12 व्रत लिए और इच्छा परिमाण किया, इतना मैं संपत्ति रखूंगा बाकी सब दे दूंगा। श्रावकों को आपका कर्तव्य बनता है कि श्रावक भी उच्च गति में जा सकता है यदि अपने धन का सदुपयोग करता है। धन रखे श्रावक, उनको चाहिए। श्रावक का धन अपने लिए, परिवार के लिए भी होता है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और कोई गरीब दुखी सबके लिए होता है। परिमाण रखना चाहिए, अपने लिए नहीं, श्रावक का ये कर्तव्य बनता है। इच्छा
और आवश्यकता जितनी आवश्यकता उतना। कबीर को देखो, कबीर कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं अतिथि भी भूखा न जाए। ये कबीर, और इतने ऊंचे कबीर थे, जुलाहे का काम करते थे, संत थे पर संत भ्रष्ट थे, बेटा था बेटी थी, जुलाहे का काम करते थे, संत कबीर बने, महात्मा कबीर हो गए, उनका जीवन बहुत उच्च था, ऐसे उच्च जीवन था। तो आवश्यकता जरूरी है वो रखो, जैसे आपने भोजन करना है कोई मना नहीं, घर में भोजन करो, जो इच्छा है वो खाओ, आपकी माँ आपकी बहन आपकी पत्नी भोजन बनाती है, जो मर्जी बनाओ खाओ, पर नहीं मुझे तो बड़े होटल में जाना है, ताज होटल में जाना है, वही भोजन करना है, ये तुम्हारी आवश्यकता नहीं, ये तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो गई। मैंने घर में भोजन ही नहीं करना, मैं तो बाहर करना है, मैंने घर में सोना नहीं, मैं तो होटलों में जाके सोना है, मैंने ये कपड़े पहने नहीं, ये कपड़े पुराने हो गए, नए कपड़े चाहिए, ऐसा जो इस तरह से आप करते हो तो ये नहीं होता। तप से संभर और निजरा हो, देखा जाए तप, तप तो बहुत लोग करते, एक चित्रकार अपनी पुलिका से चित्र का निर्माण करता है, कितनी एकाग्रता करनी पड़ती है चित्रकार को चित्र बनाने में, ये बहुत बड़ा तप करता है। और एक संगीतकार जो स्वर और संगीत की लहरियों को बजा करके वो स्वर संगीत बोलता है तो कितना तप करना पड़ता है उसको, और एक लेखक अपनी लेखनी के द्वारा साहित्य सृजन करता है तो कितना बड़ा तप करता है, और एक घड़ा जो कुम्हार मिट्टी लाता है खेत से और उसको मिट्टी को काटता है पीटता है, उसको फिर चाक पे डालता है, फिर उसको घड़ा बनाता है, फिर कच्चा बनाता है, फिर पक्का बनाता है, फिर उसको फिर वही घड़ा उसमें आप दूध डाल देते हैं, क्या दूध का घड़ा हो गया, घी डालते हो घी का घड़ा हो गया, अमृत डालते अमृत का घड़ा हो गया, वही घड़ा जो कच्चा था और उसमें डाल देते पानी तो वो फट जाता। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है बनाने के लिए, तो इसलिए आप अपने जीवन में तप, भगवान महावीर के शासन में भगवान महावीर ने कितना बड़ा तप किया है, भगवान ऋषभदेव 1000 वर्ष तक जब तथमस्त रहे तो तप किया उन्होंने, भगवान महावीर 12.5 वर्ष में 6-6 महीने का तप करते रहे, महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने तो बताया था, इतना तप किया। और धन्ना अनगार के बारे बताओ, जब धन्ना ने भगवान से पूछा धन्ना के बारे में प्रभु ने कि सबसे सर्वोत्त तपस्वी कौन है, भगवान ने कहा धन्ना अनगार। कैसे दीक्षा लेने के बाद धन्ना अनगार ने बेले बेले का निश्चय किया कि मैं बेले बेले का पारना करूंगा। गौतम स्वामी उसमें बेले बेले का तप करते थे, बेले बेले का तप करूंगा और पारने में क्या करूंगा, आइम्बिल, आइम्बिल में क्या लेना, एक आहार एक लेना लत्ती, अनाज एक अनाज और पानी, और अनाज कैसा जो बिल्कुल जो ऐसा अनाज जिसमें सार ही नहीं है, जो कोई गरीब भी ना खाए, ऐसा वो अनाज लेते थे बेले बेले के पारने में, आइम्बिल करते थे धन्ना में, और सूख के हड्डियों का ढांचा हो गई थी। और भगवान से पूछा श्रेनक ने, प्रभु आपके साधुओं में सबसे ऊंचा तपस्वी कौन है, भगवान ने कहा धन्ना अनगार, बेले बेले पारना और पारने में क्या लेते हैं, आइम्बिल। कैसे अपनी इंद्रियों को जीतना ये बड़ा कठिन है, जिसने अपने शरीर का देह का मोह तोड़ दिया उसके लिए कोई कठिन नहीं। तो भगवान महावीर की साधना का सबसे ऊंचा तप क्या है, सारी बातें सार कहने पर मैं एक ही बात आपसे नम्रता से कहना चाहता हूँ कि पंचम काल में आपको अरिहंत परमात्मा की कृपा से वीतराग साधिका निशा जी के अथक श्रम से ये साधना मिली है, इसको ऐसे गंवाना मत। एक साधना का एक शब्द आपके भीतर आ गया आपका कल्याण हो जाएगा, पर बड़ा कठिन है। भगवान ने एक शब्द कहा था, क्या कहा था बोलो, स्वय को स्थित करना, स्वय यानी आत्मा का, आत्मा में स्थित कर लेना, बहुत ऊंची बात है। और यही साधना आपको
मोक्ष का द्वार ले जाएगी। पंचम काल में भगवान कह रहे हैं, और शुक्ल ध्यान की धारा को ये ध्यान बढ़ाएगी आपकी, शुक्ल ध्यान की धारा। एक दम नहीं होगा, 24 मिनट बहुत कठिन है, कहो मैं 24 मिनट कर लूंगी, एक एक मिनट से बड़े, एक एक समय दो दो समय, एक समय दो तीन, एक मिनट आधा मिनट, दो मिनट, चार मिनट, छः मिनट, आठ मिनट, 10 मिनट, 15, ऐसे करते 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 हो सकता है। यदि नहीं भी हुई तो महाविद्य क्षेत्र में चले जाना प्रभु के चरणों में, वहाँ तो हो ही जाएगा कल्याण। पुरुषार्थ तो अभी से शुरू कर दो, पुरुषार्थ करना है हमने, ऐसी उच्च कोटि की साधना स्वयं का, और स्वयं में स्थित करने के लिए क्या चाहिए, जरूरी नहीं आंखें बंद करके बैठो, तुम आंखें बंद करके 4 घंटे 6 घंटे बैठ जाओगे, 24 घंटे में क्या करोगे, 24 घंटे की साधना है ये स्वयं में स्थित होने की, 24 घंटे की, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो कुछ भी करो, स्वयं में स्थित रहना है, स्वयं में स्थित रहना है। आप चल रहे हो, भूलोगे भटकोगे, मैं भी भूलता हूं, मैं भी स्थित नहीं रहता, पर स्वयं में स्थित रहने का निरंतर पुरुषार्थ करो, निरंतर। सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, करवट बदलते हो, स्वयं में स्थित होने का पुरुषार्थ करो, एक मिनट आधा मिनट, फिर भूलोगे फिर उपयोग लगाओ, फिर भूलोगे फिर उपयोग लगाओ, ट्राई ट्राई अगेन, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नेवर यील्ड। एक यूसुफ की लाइन बहुत प्यारी लगती है, जब मैं पढ़ता था एक लास्ट की लाइन, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड, घबराना नहीं, पीछे हटना नहीं, संघर्ष करते रहो, प्रयास करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ट्राई ट्राई अगेन, राइट एंड यू विल सक्सीड एट लास्ट, तुम सफल हो गए, निश्चित निश्चित सफल। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी, आंखें बंद मन वचन काया शांत, शरीर शांत विचार शांत, सृष्टि शांत वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए, भेद विज्ञान से यात्रा शुरू होगी आपकी। दो तत्व आकार और निराकार, ये आकार तुम्हारा शरीर, शरीर में मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, इनसे पार चले जाओ, इनसे पार चले जाओ, विचार आए तो आने दे, विचार तुम नहीं हो, ये मन के विचार हैं, बुद्धि के पार मन के पार, स्वयं में स्थित होने का पुरुषार्थ कीजिए। और भीतर गहरे चले जाएं, जीव को जीव में स्थित कर लें, बस अपने भीतर शुक्ल ध्यान, जीव जीव में स्थित हो जाए, ये शुक्ल ध्यान है। मन बाधा डालेगा, बुद्धि इंद्रियां बाधा डालेंगी, निरंतर निरंतर अपने स्वयं में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो, ये सबसे बड़ा तप है, ये सबसे अधिक निर्जरा इस तप से होती है, शुक्ल ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है।
और भीतर गहरे चले जाएं। जैसे ही आप जीव में स्थित होती हैं तो आपका सुख बढ़ता है, वो सुख तुम्हारा है। जीव में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। बाहर के सुख सुख नहीं है, सुख आभास है। सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं, भीतर है, भीतर है। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। हरे शरण दुखहरण साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रोसीशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सीजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने चार ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।